ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बाप है सभी संबंधों के प्यार की सहकरीन, सारे संबंधों की प्यार की सहकरीन है। सब संबंध से प्यार देता है कि नहीं बाबा? हर संबंध से बाबा प्यार देता है। तो एक मीठे मासूम को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से स्वतः ही हट जाएगी। अगर बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे, सारा रिश्ता बाबा से जोड़ेंगे, तो अपने आप चारों तरफ से बुद्धि अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि ये सारे रिश्ते विनाशी हैं और बाबा का प्यार अविनाशी है। हर जन्म के लिए वो प्यार है। प्रश्न, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ व युक्ति कौन सी है? कर्मातीत, कर्म करते भी कर्म के प्रभावों से मुक्त, फल की चिंता से मुक्त, क्या मिलेगा, कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, बस करते चले जाना हमें लोगों को। तो उत्तर है, भाई भाई की दृष्टि को पहले पक्का करो कि किसके साथ तुम करने जा रहे हो। अच्छा, अगर हम किसी के साथ अच्छा करने जा रहे हैं तो कौन है वो? मेरे अपने हैं, भाई भाई हैं। तो ये सोचकर पक्का करो तो पुरुषार्थ करो। बुद्धि से एक बाप के सिवा और कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूल जाओ। बुद्धि से क्या है? पति है, पत्नी है, भाई है, बच्चा है, परिवार है, ये सब कुछ याद नहीं आना चाहिए। केवल क्या याद आए? बाबा, बाबा ही मेरा सब कुछ है। कोई भी देहधारी संबंध याद ना आए, बाबा कहता है सब कुछ भूल जाओ। कोई भी देहधारी संबंध याद ना आए तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था मतलब किसी के भी प्रभाव में नहीं। कोई अच्छा कर रहा हमारे साथ तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं, नहीं बहुत अच्छा है। कोई बुरा कर रहा है तो बोलते ये बहुत बुरा है। तो ये दोनों ही प्रभाव नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि माया भूत क्या करती है, कभी अच्छा रोल कभी बुरा रोल फंसा लेती है। हमें किसी के रोल में नहीं फंसना है, अपने को आत्मा समझकर भाई भाई समझना है, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। अगर भाई भाई समझेंगे तो देह का जो भाई क्रिमिनल ख्यालात है, विकारी ख्यालात, वो खत्म हो जाएगा। ओम शांति, डबल ओम शांति। डबल कैसे है यह तो तुम बच्चों को की बुद्धि में, बाहर वाले तो नहीं समझेंगे कि डबल ये लोग क्यों कह रहे हैं। बाप दादा दोनों ओम शांति कहते हैं, एक बाप एक दादा। तो बाप भी बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप पर निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी और गुरु भी है। यूं तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं। बाबा कहता है ऐसे तो बाप सबका अपना अपना होता है। टीचर फिर कुछ साल के बाद जब 5 साल का बच्चा हो जाता है तब टीचर के पास भेजते हैं, और उसके बाद 60 साल के बाद गुरु करते हैं। तो बाबा कहता है बाप टीचर सब गुरु का रोल सबका अलग अलग होता है। यूं तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं, टीचर जवानी में। तो बाबा कहता है यूं तो लौकिक रीति से बाप टीचर गुरु अलग होते, टीचर जवानी में किया जाता है और गुरु 60 वर्ष की आयु के बाद करते, या तो जब जाते हैं तो तीनों इकट्ठा सर्विस करते। शिव बाबा जब आता है ये तीनों इकट्ठे पाठ चलता। आप छोटे हैं, बड़े हैं, जीवा युवा हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा को। बाबा कहता है युग बूढ़ा हुआ, आत्मा बूढ़ी हो गई, हम तीनों एक साथ कार्य करेंगे। तो कहते छोटे बड़े सभी यहाँ पढ़ सकते हैं। बच्चों की ब्रेन अच्छी फ्रेश होती है, यह तो बच्चे समझ गए हैं। छोटे बड़े सब जीव की आत्मा जरूर है। बाबा कहता है यहाँ छोटे हो चाहे बड़े हो, सब जीव की आत्मा मतलब शरीरधारी हैं। शरीर में रहते आत्मा प्रवेश की हुई है, कार्य कर रही है। आत्मा जीव में प्रवेश करती है। आत्मा और जीव में फर्क है तो है ना, आत्मा मालिक है। बाबा कहता है आत्मा क्या है? मालिक है। और जीव क्या है? शरीर है। तो शरीर की हम मालिक है, दोनों में एकदम आसमान जमीन का अंतर है। शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकती है और आत्मा भी शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा के अंदर 100 गुना ताकत है और शरीर के अंदर 1 गुना ताकत है। तो यहाँ तो तुम बच्चों को अलग, तुम बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। आत्मा तो अविनाशी, बाकी शरीर यहाँ भ्रष्टाचार से पैदा होता है, विकार से पैदा होता है। वहाँ तो भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं होता है। सत्युग में विकारों का नामो निशान नहीं होगा कि विकार क्या चीज़ होता है। तो बाबा कहते हैं वहाँ भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं होगा। गाया जाता ना संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ कोई विकार का
ख्याल तक नहीं रहेगा कि क्या होता है। बस वो बचपना होता ना, एक छोटा सा बच्चा जन्म लिया, वो बचपना हंसता खेलता बचपन होगा। शिष्टाचारी और भ्रष्टाचारी अक्षर तो कहा जाता है ना, शिष्टाचारी और भ्रष्टाचारी, यहाँ विकारी और निर्विकारी, भ्रष्टाचारी और शिष्टाचारी। अब ये सब बातें बाप ही समझाती है। बच्चों को सिर्फ ये पक्का करना चाहिए, निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाने आए हैं। बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर और पुरुषोत्तम बनाने के लिए आते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए, आत्माओं में भी उत्तम बनाने के लिए आते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते, जो सबसे ज़्यादा नीचे गिर गए हैं उसी को बाबा ऊपर सबसे ऊँचा ले जाता है। तभी तो पुरुषोत्तम कहा जाता है कि आत्माओं में भी उत्तम बनाते सबसे गिरे हुए को। तो यह दुनिया की ही कनिष्ठ तमो प्रधान है। ये दुनिया तम कनिष्ठ भी है और तमो प्रधान है। तो यह दुनिया ही कनिष्ठ तमो प्रधान है, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। अब हमको वापस जाना, इसीलिए अपने को आत्मा समझो। बाप आए हैं लेने के लिए, हम भाई भाई हैं। बाप आया है हम सबको लेने के लिए, हमें भाई भाई की दृष्टि पक्का करना है। बाप आए हैं लेने के लिए तो पूरा पुरुषार्थ करना, ये दो काम कर लेना कि बाप आए हैं निश्चय कर ले। तो वो लेने के लिए आया, वो छोड़ेगा नहीं किसी को। अभी कल परसों की मुरली माँ ना कि बाप छोड़ेगा तो किसी को नहीं, कोई हंस के चलो चाहे रो के चलो। दूसरा क्या है कि आत्मा आत्मा भाई भाई ये पक्का करो। तो चाहे विश्व में किसी कोने में चले जाएं लेकिन आपको परायापन नहीं लगेगा, सभी मेरे अपने हैं। सभी या तो फिर इष्ट देवी के रूप में आ जाएं तो सब मेरे बच्चे हैं, हमको देना है। तो हम भाई भाई ये पक्का निश्चय कर लो। यह दे तो रहेगा नहीं, फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी। यह बड़ी भारी मंजिल है, बहुत ऊंची मंजिल है, जिसको लोग नहीं समझ पा रहे ना। तो अभी भी क्या है, विकारी दुनिया में घुसे चले जा रहे हैं, सोच रहे कि यही दुनिया है। और अचानक सब कुछ तैयारी की, अचानक मौत आ गया, सब खलास हो जाएगा, कुछ भी रहेगा नहीं, कोई फायदा नहीं है उससे। तो इस मंजिल पर बहुत थोड़े ही पहुँच सकते, मेहनत है ना। वो कहानी है ना कि राजा था जो बोला कि बच्चों को, राजा जो जिसको भगवान का दर्शन हो गया, तो भगवान को बोला कि भगवान जो दर्शन हमको हुआ है मेरी प्रजा को भी दे दीजिए। तो बोले कि जिसका भाग्य होता है उसी को मिलता है। तो बोले नहीं, आप दीजिए ना, हम लेकर आएंगे। और सारे अपनी प्रजा को, परिवार को, रानी को, सबको लेके चल दिया राजा। चल बोला कि पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर मैं मिलूंगा। लेकिन जैसे ही जाने लगा तो बहुत सारा जो रुपया पैसा होता है ना, अभी का सिक्का लोहे का पड़ा हुआ था, तो कुछ प्रजा के जो दास दासी थे वो क्या किए, उसमें बिजी हो गए लेने में। बोला चलो भगवान का दर्शन करना। बोले अच्छा ठीक, आप लोग आगे बढ़िए ना, पीछे से हम आएंगे। वो रह गए वही रुपया पैसा। फिर कुछ ऊपर चढ़े तो चांदी का सिक्का मिलने लगा, उसमें भी कुछ लोग रह गए कि चलो चांदी मिल रहा है, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा समेट लो, वो भी वहीं रह गए। फिर ऊंचा चढ़े तो मिल गया वो सोने का सिक्का। सोने का सिक्का में सारा क्या हुआ कि परिवार जितना था ना, परिवार रानी को छोड़ के वो भी रम गया सोने का सिक्का में। रानी बोली देखो, राजा बोलता देखो कैसा मेरा प्रजा है, कैसा है। सो भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं, इसके पीछे लोग भाग रहे। उसके बाद रानी कुछ नहीं बोली, चुपचाप बोली चलिए हम साथ में चलेंगे। आगे गई तो देखी हीरे ही हीरे हैं चारों तरफ। अब रानी भी क्या की, फंस गई हीरों में। अब हीरे लेने ली रानी, तुम भी तो लेकिन राजा साहब थोड़े से तो ले लूँ मैं भी, और लेने लगी। अंत में राजा चुपचाप सर झुका के ऊपर चढ़ा तो देखते भगवान तो सही में अपने वादे के पक्के हैं, खड़े हैं। तो बोले कि मैंने कहा था ना जिसके भाग्य में होगा, बाबा भाग्य नहीं लिखा, वास्तव में हम लोग अपना भाग्य। अभी हम लोग भी वही कर रहे हैं ना, कुछ अभी के रुपया पैसा जो बह जाएगा फट जाएगा उसके पीछे भाग रहे हैं, कुछ चांदी के, कुछ सोनों के, कुछ हीरो के भाग रहे हैं, भगवान को नहीं मान पा रहे हैं। भगवान को मानने का मतलब है संपूर्ण समर्पण। तो बहुत थोड़े ही पहुँच सकते हैं, इसमें मेहनत है, मन बुद्धि का मेहनत है। पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद ना आए, ना रुपया पैसा, धन दौलत, परिवार, सोना हीरा कुछ भी याद ना आए, कुछ भी मिल जाए, मान शान ये सब है हीरा, जरूरी नहीं वही हीरा हो, मान शान भी एक हीरा है जो आकर्षित करता है।
जिसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था, जब कुछ भी याद ना आए, सब कुछ करते हुए डिटैच अंदर से। तो यह देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए, शरीर भी विनाशी है, इससे क्या ममत्व। सोचते ना कहीं जाएंगे तो क्या खाएंगे, कैसे रहेगा सर, मर जाएंगे बाबा की याद में। लेकिन अपनी धारणा को मिटने नहीं देंगे, अपनी धारणा पर पूरा अचल अडोल रहेंगे। तो क्यों नहीं पार कराएगा बाबा, बाबा शक्ति भरता है। तो पुराने संबंध में भी ममत्व तो नहीं रखना, मेरा बेटा है, मेरी बेटी, अरे सब अपने अपने जीवन में बिजी हैं, कोई आपको लेने देने वाला नहीं। हाँ तो चलो थोड़ा सा लेन देन हो गया, क्योंकि आप भी दे रहे वो भी दे रहा, बाकी कुछ भी नहीं है। सत्य ज्ञान है ये, सत्य ज्ञान को समझे। मैं सत्य आत्मा, सत्य परमात्मा और सत्य ज्ञान को सुन रही हूँ, और सब कुछ झूठा है, माया जाल है। अब नए संबंध में जाना, नया संबंध क्या है, बाबा से सारा संबंध, अभी फिलहाल तो बाबा के साथ सारा संबंध है। पुरानी आसुरी संबंध, स्त्री पुरुष का कितना छीछी है ना, विकारी ख्याल आता है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, अब घर वापस जाना है, बाबा याद दिला अब घर वापस जाना है। आत्मा आत्मा कहते रहोगे, समझते रहोगे, शरीर का भान नहीं रहेगा। जब बार बार सोचेंगे मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, तुम भी आत्मा, तो फिर देहभान निकलता चला जाता है। स्त्री पुरुष की कशिश जो होती है ना, वो निकल जाएगी, स्त्री पुरुष की कशिश भी निकल जाएगी। लिखा हुआ भी अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे, तो कहाँ जन्म लेगा, विकारी दुनिया में जन्म लेगा। इसीलिए कहते हैं देखिए, सत्युग त्रेता में देह भान नहीं रहेगा, स्त्री है कि पुरुष है ये भान नहीं रहेगा। अंतकाल गंगा जल मुख में हो, गंगा जल का मतलब क्या हुआ, ज्ञान का गंगा अंदर में चलता रहे। श्री कृष्ण की याद हो, श्री कृष्ण ये भक्ति मार्ग में कहते थे, तो अपना पद याद हो कि हम कौन सा पद लेने वाले, लेकिन बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में तो श्री कृष्ण याद रहता है ना श्री कृष्ण, लेकिन भगवानुवाद जो कह देते हैं ये रॉन्ग हो जाता है, ये रॉन्ग। याद करने के लिए तो बाप बार बार कहता है कि बच्चे श्री कृष्ण को याद करो, क्योंकि वही तुम्हारा पद है। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, हर राधा सी बाला होगी, वहाँ हर एक बालक कृष्ण कन्हैया के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ तो बाप कहते देह को भी याद नहीं करना है, अपने को आत्मा समझो और तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का एक प्यार एक से जैसे सैक्रीन हो जाता है, सारा प्यार एक से करेंगे ना तो सारा रस बाबा से मिलने लगता है, सारा कुछ बाबा से मिलता है, बहुत अच्छा लगेगा। फिर सबका मीठा और सबका प्यारा, सबका मासूक भी तो है, बाबा मासूक है ना सबका, मासूक एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में नाम कितने रख दिए हैं। भक्ति का बहुत विस्तार है, किसको याद करे, कभी उसको कभी उसको याद करते रहती हैं। यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत करना, शास्त्र पढ़ना, ये सब भक्ति की सामग्री है। बाबा कहता है ये सब भक्ति की सामग्री, भगवान को पाने की इच्छा। ज्ञान की सामग्री तो कुछ भी नहीं, ज्ञान की सामग्री क्या है, खुद को स्वाहा कर देना, यही है ज्ञान की सामग्री। आत्मा समझ, जब आत्मा समझे तो हम मर चुके हैं, मरता कौन है, शरीर है, तो शरीर भान को त्याग दिए, जब हम आत्मा हैं, आत्मा है, तो हम बार बार मर रहे हैं, बार बार याद दिलाना मतलब मरना शरीर भान से। तो यह भी तुम नोट करने की, समझाने के लिए नोट करते हो, ये सब समझाना है सबको कि मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान मार्ग है, इसमें मर जीवा जन्म है, मर कर जीवन जी रहे। तो बाकी तुम्हारे पास कागज आदि कुछ भी रहेंगे नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ मन बुद्धि में समझाना है, लिखना है। बाप समझाते बच्चे, तुम शांति धाम से आए थे, शांत ही थे तुम पहले, शांति के सागर से तुम शांति का पवित्रता का वर्षा लेते हो। बाबा के पास आने के बाद जो चिल्लाना था, जो अपवित्रता का संस्कार था, लोभ लालसा, सब खत्म हो गया कि नहीं, दुनिया का आकर्षण मिल रहा तो ठीक, नहीं मिल रहा तो ठीक, हर बात में संतुष्टता आ गया, तो पवित्रता का वर्षा ले लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो, लिए नहीं हो, इसीलिए घड़ी घड़ी बुद्धि चला जाता है। ज्ञान भी ले रहे हो, स्टेटस सामने खड़ा है, क्या है स्टेटस हमारा, निर्विकारी दुनिया है, कृष्ण का पद पोजीशन लेना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे ना सके, है यह रूहानी ज्ञान। शरीर का ज्ञान तो है नहीं जो मनुष्य देंगे, ये तो रूहानी ज्ञान है, तो रूह देंगे, रूह को ज्ञान देंगे, परम रूह रूह को ज्ञान देंगे। रूहानी बाप एक ही बार आते हैं, ध्यान रहे, रूहानी बाप
एक ही बार आते हैं, इसलिए इस पढ़ाई पे विशेष अटेंशन देना है। रूहानी ज्ञान दे रहे, आत्मा का ज्ञान दे रहे, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, शरीर एक गुना है, लेकिन आत्मा जब कमजोर पड़ती है ना तो शरीर को भी संभाल नहीं पाती है। जिस समय मैं आत्मा हूँ ये पूरा रहे तो आत्मा शरीर को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। उसको भी कहते पतित पावन, जो शिव बाबा हमें पतित से पावन बना रहा है। सुबह को बच्चों को बैठे ड्रिल कराते हैं बाबा, वास्तव में इसको ड्रिल भी नहीं कहा जाए, बाप सिर्फ कहते बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। कितना सहज है बाप को याद करना, बाबा को याद करना बहुत सहज है। तुम आत्मा हो ना, कहाँ से आए हो, याद है ना कहाँ से आए हो, परम धाम से आए हैं। ऐसे और कोई भी पूछेंगे कहाँ से आए हो आत्मा, कोई जानता ही नहीं तो पूछेगा क्या, पारलौकिक बाप ही पूछ सकते हैं। बच्चों परम धाम से आए हो ना, आए हो ना, तो बाबा को कहना है हाँ जी बाबा। इस शरीर में पाठ बजा रहे हो, हाँ जी बाबा। पाठ बजाते बजाते अब पूरा हो गया नाटक, अब इस भान को छोड़ो बाबा, क्लियर कर, अब इस भान को छोड़ो। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी तुम्हारा पतित बन गया। सोने में ही अलाय पड़ती है ना, फिर उसको गलाया जाता है। बस सोना जैसे पुराना हो गया जेवर बनते बनते, तो उसको आग में, तेज आग में डाला जाता है ताकि उसका अलाय जल जाए और प्योर सोना होकर बाहर निकले। देखिएगा जो प्योर सोना निकलेगा ना उसका चमक सब कुछ अच्छा होता है। उसी तरह हम लोगों को भी योग अग्नि में, विघ्नों की अग्नि में तपना होगा, जलना होगा, फिर भी हमें बाबा कहता प्योर सोना बनना होगा। तो वह सन्यासी लोग ऐसे अर्थ कभी नहीं समझाएंगे कि ऐसे हम लोगों को प्योर बनना, वो तो घर बार छोड़ देते और हम लोगों को यहीं रहकर तपना होगा। वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं, बाप से योग रखो ये मानते ही नहीं, वो तो ब्रह्म से योग लगा देते हैं, घर से योग लगाते हैं। बाप जो सिखलाते हैं वह और कोई सिखला नहीं सकता है, कोई नहीं सिखला सकता है। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती, प्रैक्टिकल में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सतोगुणी हूँ, ये सब मेहनत करना होता है। बाप तो कितना सहज समझाते हैं, सहज करके समझाते हैं ना, तब तो समझ में आया ना। कोई बोला ऐसे चलो, कोई बोला ऐसे चलो, अब बाबा क्लियर कर दिया, बच्चे अपनी को आत्मा समझो, मन बुद्धि को भी अच्छा रखो। किसी के प्रति खराब खराब बोलने से वो और खराब बनता चला जाता है, इसलिए खराब नहीं बोलना है, सब अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, अपना काम है अच्छा अच्छा बोलना। तो गाते भी है ना पतित पावन सर्वशक्तिमान है, उसे ही श्री श्री कहा जाता है। श्री श्री अच्छा क्यों नहीं लगता है, अब देखिए श्री बुद्ध नहीं लगाया जाता, श्री बुद्ध कभी लगाएं, नहीं लगाएं, श्री फिर मीरा लगाएं, नहीं लगाएं, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण श्री राधे लगाते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण लगाते, क्योंकि श्रेष्ठ जो है जिसका पैदाइश ही विकारों से नहीं हुआ है उसके आगे श्री लगाया जाता है। तो कोई नहीं समझे तो आज के विकारी मनुष्य श्री श्री लगा ले रहे हैं। और श्री कहा जाता देवताओं को, उनको शोभता है, उन्हीं को आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। बाबा कहता क्योंकि उनका आत्मा और शरीर देवी देवताओं का दोनों पवित्र होता है। बुद्ध भी पवित्र बने लेकिन विकार से जन्म लिए, विकार में गए, तो फिर उनका शरीर तो पवित्र रहा ही नहीं, तो इसीलिए उनके आगे श्री बुद्ध नहीं लगाते हैं, जो कि इतना तेज आ गया था उनकी पवित्रता में, लेकिन श्री नहीं लगाए। तो आत्मा को कोई निर्लेप कह नहीं सकता, निर्लेप नहीं आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप शरीर पुण्य शरीर नहीं, आत्मा पे लेप छेप लगता है कर्मों का। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य न जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं। बाबा कहता है अनराइटियस मतलब देवभान में आ चुके हैं, रॉन्ग की तरफ चले गए, गलत रास्ते की तरफ चले गए हैं। एक बाप ही आकर फिर राइटियस बनाती है, रावण अनराइटियस बना दिया। चित्र भी तुम्हारे पास है, बाकी ऐसे 10 शीश वाला रावण कोई नहीं होता है, ये तो विकारों पर नाम दिया गया है। इतने सारे विकार होते, जैसे 7 गुण होता है, 8 शक्तियाँ होती हैं, उसी तरह विकार भी 10 प्रकार के, मुख्य मुख्य 10 प्रकार के होते हैं। सतयुग में रावण है नहीं, ये तो क्लियर है ना कि अब सतयुग में भी रावण राज्य होगा। बोलते ना कि सतयुग में राक्षस और देवताओं की लड़ाई हुई, तो वो संगम युग का प्रतीक है। फिर त्रेता युग में राम और रावण की युद्ध हुई, वो भी संगम युग का निशानी है। राम और रावण का मतलब हमारे अंदर ही राम बसा हुआ है आत्मा, और हमारे पास ही शरीर भान है,
दोनों का युद्ध चलता है कि किस भान से चले, आत्मिक स्थिति में चले कि देवभान में चले। उसके बाद द्वापर चले जाइए तो वहाँ पर कृष्ण और कंस का लड़ाई होता है कि हम कृष्ण बनने वाले हैं कि कंस बनने वाले। हल्का सा भी अंश मात्र भी विकार कंस बना देता है। तो सत्युग में रावण तो है नहीं, ये तो क्लियर है, परंतु जो सुनने वाले होंगे वो कहेंगे यहाँ का सैपलिंग है, यहाँ का सैपलिंग। जो सुनने वाले क्या बोलेंगे कि यहाँ जो बीजारोपण हम किए उसका फल है सत्युग त्रेतायुग। तो कोई थोड़ा सुनेंगे, कोई बहुत भी सुनेंगे, बहुत कोई है थोड़ा सुनकर बोलते हम बहुत ज्ञानी बन गए, और कोई सुनते रहेंगे नहीं, ज्ञान का तो अंत है ही नहीं। एक छोटा बच्चा भी जन्म लेगा ना कुछ सिखाता है वो भी, तो इसलिए ज्ञान का अंत नहीं है। भक्ति मार्ग का देखो कितना विस्तार हो गया है, अनेक प्रकार के भक्त हैं। और फिर पहले से ही सुना था भगाते थे कृष्ण, श्री कृष्ण के लिए कहते भी है ना भगाया, बहु बेटियों को भगा लिया। अब देखिए ऐसे विकारी को कौन पूजेगा, पूजेंगे क्या अगर आपकी बहु बेटी को कोई भगा कर ले जाए तो? अब बोलेंगे ऐसा है बदमाश, ऐसा है हम तो समझे नहीं थे ऐसा करेगा, मेरी बेटी को फंसा लिया। और यहाँ इतनों को फंसाया कृष्ण, बताए शास्त्रों में बताते हैं, तो इतनों को फंसा कर लिया है फिर भी हम उसको पूज रहे हैं, क्यों वैसा बनाना चाहते हैं क्या अपने बच्चों को भगाने वाला? तो बोलेंगे नहीं मेरा बेटा किसी लड़की के चक्कर में ना फंसे, मेरी बेटी किसी लड़के के चक्कर में ना फंसे, तो फिर ऐसे को भगवान कैसे मान सकते हैं? तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, भगाया नहीं गया। इस समय भट्टी बनना था तो अनेक आत्माएं भगवान के प्यार में आई, कोई कृष्ण भगाया नहीं तो भगाया। फिर ऐसे श्री कृष्ण को प्यार ही क्यों करते हो, पूजते क्यों हो? तो बाप बैठ समझाते श्री कृष्ण तो पहला प्रिंस है, ऐसा कुछ काम नहीं करता वहां पर, वह तो कितना बुद्धिमान होगा तभी तो उसको सारे विश्व का मालिक बनाया गया, कम बुद्धिमान होगा क्या वो? इतना भी बुद्धिमान होगा जो पूरे विश्व का मालिक बनता है। वहाँ उनको वजीर की आवश्यकता ही नहीं, वजीर मतलब जो राय दे राजनीतिक कार्यों में, राय लेने की दरकार नहीं। राय लेकर तो संपूर्ण बनाना, यहाँ पर राय ले लेकर संपूर्ण बनाना, बाबा राय देता गया वो फॉलो करते गए तब तो इतना ऊँचा पद पाए, फिर राय क्या लेंगे वहाँ पर? तुमको आधा कल्प कोई राय लेने की जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर है ना कि कितना बाबा इतना समझाने देता है कि सत्युग त्रेता तक कोई राय लेना नहीं है किसी से। स्वर्ग और नर्क का नाम भी सुना है ना, यह तो स्वर्ग हो ना सके, यहाँ पर स्वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो धर्मगुरु भी हैं, फिर वजीर आदि भी हैं सब सुना राय देने के लिए, पत्थर बुद्धि हैं जो समझते यहाँ तो हमको धन है महल है आदि सब कुछ है यही मेरे लिए स्वर्ग है। ये पत्थर बुद्धि की निशानी कि मेरे लिए यही। आज देखिए ना हीरोइने जो रह रही हैं कम कम एज में अपनी बेटियों को उतार दे रही बॉलीवुड में, जैसा तैसा ड्रेस पहनाकर फेमस कर रही हैं ताकि पैसा कमाई हो सके। स्वर्ग कहाँ है जो कि इतना पैसा कमाने वाली और 15-16 साल में अपनी बेटियों को बॉलीवुड में उतार दे रही हैं और नग्न देख रही हैं मजा ले रही हैं माँ बाप सब, तो क्या है ये सब विकारी दुनिया है ना कि लोग देखो पैसा कमाने का होड़ लगा हुआ है। परंतु तुम जानती हो ना ये दुनिया नई बनेगी, सत्युगी दुनिया बनेगी जहाँ विकारी ख्यालात नहीं होगा। स्वर्ग में तो सदगति में होते हैं, स्वर्ग नर्क इकट्ठा दोनों चल ना सके इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अंधेरा और उजाला एक साथ चलेगा क्या? तो उसी तरह स्वर्ग और नर्क एक साथ कैसे चलेगा? जहाँ सुख है वहाँ दुख नहीं हो सकता है, और बाबा कहता है ना कि वहाँ सुख इतना होगा कि तुमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इतना सुख होगा। तो स्वर्ग किसको कहा था, उसकी आयु कितनी है, यह सब बाप ने तुम्हें समझा दिया। एक एक जन्म 150 साल का होगा एक जन्म, और ऐसे कितने जन्म लेंगे, 21 जन्म लेंगे हम लोग। दुनिया तो एक ही रहेगी, नई को सत्युग पुरानी को कलयुग कहा जाता है। अब भक्ति मार्ग खलास होना है, भक्ति के बाद चाहिए ज्ञान, ज्ञान चाहेंगे तब तो हम लोग फिर पुरुषार्थ करेंगे। सभी जीवात्माएं पाठ बजाते बजाते पतित बन गई, यह भी बाप ने समझाया है। तुम सुख जास्ती पाते हो, सबसे कोई भी आत्मा सारी आत्माएं सुख ज़्यादा पाती है, 3/4 से ज़्यादा सुख आज बाबा क्लियर कर रहा है, 3/4 है सुख, बाकी 1/4 दुख है, मतलब 3 हिस्सा पूरी तरह से सुख है। सत्युग त्रेता द्वापर पूरी तरह से सुख है, अब 1/4 जो एक युग रह गया कलयुग उसमें दुख है, उसमें भी क्या है,
इसमें भी जब तमो प्रधान हो जाते हो तब दुखी जास्ती होते हो। ऐसा थोड़ी है कि कलयुग शुरू हुआ तो दुखी होना शुरू हो गया, नहीं, कलयुग शुरू हुआ धीरे धीरे दुख बढ़ना शुरू होता है, लास्ट में दुख ज्यादा होता है। तो इसीलिए बाबा कहता है 3/4 से ज्यादा सुख, 1/4 से बहुत थोड़ा दुख है। तो ये सभी के लिए, जो 2-4 जन्म भी लेते उनके लिए भी वैसे ही है। जैसे 4 जन्म कोई लिया तो 3 जन्म तो उनका बहुत सुंदर बीतेगा, 4th जन्म में धीरे धीरे दुख बढ़ेगा। तो आधा आधा तो मजा कैसे आएगा, आधा सुख आधा दुख, तो बोले जाओ जैसे भी दुख आना ही है आधा, तो फिर क्या फायदा पुरुषार्थ। लेकिन यहाँ तो बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ करो, 3/4 से ज्यादा सुख मिलेगा। मजा तब है जब स्वर्ग में दुख का नामो निशान नहीं रहता, तब तो स्वर्ग को सब याद करते हैं, आज भी स्वर्ग को याद करते हैं। तो नई दुनिया और पुरानी दुनिया का यह बेहद का खेल चलता है जिसको कोई जान नहीं सकता। बाप भारतवासियों को समझाती हैं, बाकी जो सब है वो आधा कल्प में आते, बाकी जितने धर्म स्थापक हो, महान आत्मा हो, पुण्य आत्मा हो, पाप आत्मा हो, सब आएंगे दो आधा कल्प में, लेकिन आधा कल्प केवल देवी देवताओं का राज्य चलेगा, कितना ऊंचा रहेंगे। तो आधा कल्प में सिर्फ तुम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रहोगे, वहां कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसा नहीं चंद्रवंशी आने के बाद लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, तुम पवित्र रहते हो इसीलिए तुम्हारी आयु बड़ी रहती है, और दुनिया भी नई है वहाँ, वहाँ एवरीथिंग न्यू रहेगा, एवरीथिंग मतलब सब कुछ नया, वहाँ शरीर भी नया, वायुमंडल भी नया, नया पोशाक ये सब भी नया, बाबा कहता जेवर भी नया, सब कुछ नया, सब कुछ हम लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ कुछ चाहिए, यहाँ कोई श्रृंगार चाहिए, कुछ चाहिए ऐसो आराम नहीं, अनाज पानी धरनी आदि सब नया मिलेगा, अनाज भी नया, अनाज तो यहाँ कीड़ा लग जाता है ना, वहाँ कुछ नहीं। तो धरनी भी नया, पानी भी नया, पानी एकदम लगेगा कि अमृत पी रहे हैं। तो आगे चलकर तुम बच्चों को सब साक्षात्कार कराते रहेंगे, ऐसे ऐसे होगा, शुरू में भी हुआ ना, शुरू में भी बच्चों को साक्षात्कार कराने के लिए बैकुंठ ले जाता था बाबा और साक्षात्कार करा के लाता था, झूम रहे हैं 1 घंटा तक वहाँ पर। तो फिर पिछाड़ी में ऐसा होगा, लेकिन कौन करेगा साक्षात्कार, जो बाबा के बच्चे होंगे। नजदीक आएंगे तो खुशी होती रहेगी, जो नजदीक जैसे जैसे धारणाओं को मजबूत करते जाएंगे, बाहरी दुनिया से संकल्प विकल्प सब समाप्त, तो ये साक्षात्कार होगा। मनुष्य बाहर देश से अपने देश में आते खुशी होती है ना, कहीं भी घूमने जाइए लेकिन अपने घर में आइए सुख चैन मिलेगा, कितना भी आप घूमना फिरना ऐश मौज सब करेंगे, लेकिन जो मजा अपने घर में है वो कहीं नहीं है। ये पहले से ही बाबा करवा दिया था, क्योंकि पहले बहुत घूमने का शौक था ना, कहीं भी जाते थे, इतना थकावट पहले तो आता था, 15-20 दिन का टूर गए और आते थे लगता था चैन सुकून मिल जाता था अपने घर में। तो इसीलिए बाबा कहता है कि यहाँ भी हम लोग क्या भटक गए हैं दूसरी दुनिया में, अब फिर अपनी दुनिया में जाना है। कोई बाहर में कहाँ मरते हैं तो उनको भी एरोप्लेन से अपने देश में ही लाया जाता है ना। तो सबसे फर्स्ट क्लास पवित्र से पवित्र धरनी भारत है, विदेश नहीं है, भारत है। भारत की महिमा क्यों है, तुम बच्चों के सिवा और कोई नहीं जान सकता। क्यों है, क्योंकि भगवान यहाँ आते हैं। क्यों है, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। क्यों है, क्योंकि आदि देव आदि देवी के साथ सारी ब्राह्मण आत्माएं यहाँ तपस्या की हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड है ना, उसका नाम स्वर्ग है, यहाँ स्वर्ग बनता है। वह तो वंडर्स दिखाते हैं, वह तो सब नर्क के वंडर है, 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, लेकिन मुख्य वंडर तो यहाँ बाबा निर्माण कर रहा है, सत्य उत्रेता। कहाँ नर्क के वंडर, कहाँ स्वर्ग के, रात दिन का फर्क है। नर्क के वंडर भी बहुत मनुष्य दिखाते हैं, कितने ढेर मंदिर है, वहाँ तो मंदिर भी नहीं होते, नेचुरल ब्यूटी रहती है, सुंदरता नेचुरल रहेगी। वहाँ कितना मेकअप करते हैं, 1 घंटा ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप कराते हैं, और उसके बाद कितना देर चलता है, उसके बाद जब उतरा तो और मतलब ये लगाओ वो लगाओ ताकि चेहरे में कोई रिएक्शन ना कर जाए मेकअप का। तो मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं वहाँ पर सतयुग में। सुगंध आदि की भी दरकार नहीं, परफ्यूम मारते हैं ना, तो परफ्यूम मारने का भी जरूरत नहीं यहाँ पर। हर एक को अपना अपना फर्स्ट क्लास बगीचा रहता है, फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, वहाँ की तो हवा भी फर्स्ट क्लास होगी, हवा में भी जड़ी बूटियों का गुण रहेगा, हवा में ही फूलों की खुशबू रहेगी, इतना सुगंधित वहाँ होगा। गर्मी आदि कभी तंग नहीं करेंगे,
कितना नशे से ये ज्ञान सुनना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे सो जाते हैं, पाप का भागीदार है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि गर्मी आदि भी वहाँ तंग नहीं करता है, सदैव बाहरी मौसम रहेगा, अगरबत्ती की भी दरकार वहाँ नहीं रहती। यहाँ अगरबत्ती दिखाते हैं ना खुशबू फैलाने के लिए, वहाँ अगरबत्ती जलाने का दरकार नहीं। स्वर्ग का तो नाम सुनते ही मुख में पानी होता है, तुम कहेंगे ऐसे स्वर्ग में तो झट पहुँचे, क्योंकि तुम स्वर्ग को जानते हो। परंतु फिर भी दिल कहता, अभी तो हम बेहद के बाप के साथ पढ़ते हैं, बाप पढ़ाते, ऐसा चांस थोड़ा ही मिलेगा। मतलब सुख पानी आ जाता है स्वर्ग का कि कब जाएं, फिर याद आता है बाबा थोड़ी मिलेगा, बाबा के साथ तो अभी समय गुजार ले बहुत अच्छे से। तो यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, वहाँ देवताएं देवताएं को पढ़ाएंगे, यहाँ तो बाप परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। रात दिन का फर्क है, कितनी खुशी होनी चाहिए, 84 जन्म भी तुमने लिए, तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि हमने तो अनेक बार यह राज्य लिया, फिर रावण राज्य में आए। अब बाप कहते तुम एक जन्म पवित्र बनो, केवल एक जन्म, और 21 जन्म पावन बन जाओगे, 21 जन्म के लिए पावन बन जाओगे, क्यों नहीं बनेंगे बाबा। परंतु माया ऐसी है ना, जो भाई बहन की भी दाल नहीं गलती, भाई बहन की भी दाल नहीं गलती। पवित्रता जब भाई बहन समझते तो पवित्रता खंडित हो जाती है। दाल गले, विकारी ना बने, निर्विकारी बन जाए, तब दाल गले ना, जब अपने को आत्मा समझ, भाई भाई समझो, देह का भार निकल जाए, या मेहनत करनी है। सहज भी है तो बहुत, लेकिन मुश्किल भी बहुत है, सहज भी बहुत है। कोई को कहेंगे बहुत डिफिकल्ट है तो उनके दिल हट जाएगी, इसीलिए इनका नाम है सहज याद। ज्ञान भी सहज है, 84 चक्र को जानना है, पहले पहले बाप का परिचय सबको देना है। बाप की याद से ही आत्मा की जंक उड़ जाएगी, आत्मा की जंक खत्म हो जाएगी। जंक उड़ेगा पवित्र दुनिया का वर्षा पाओगे, अगर विकारों की जंक हट गई तो बाबा कहता पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। तो पहले बाप को याद करो, भारत का प्राचीन योग ही है यही सहज राजयोग, जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। प्राचीन कितने वर्ष हुए कोई बता सकता है? 500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व, ऐसे लिखते हैं, लेकिन उसके पहले क्या था तो कुछ नहीं बता सकते हैं, तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम जानते हो मात्र 5000 वर्ष की बात है, मात्र 5000। वही राजयोग फिर से बाप सिखला रहे, इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं। पूछा जाता है तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है, आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है? भ्रिकुटी में, यहाँ पर है, तो हमारा निवास स्थान भ्रिकुटी है, तो आत्मा को ही देखना पड़े, कहाँ देखना है, यहाँ देखना है सबको। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं, क्योंकि आदत पड़ जाएगा ना यहाँ से ही। मुक्ति और जीवन मुक्ति को यही पा लिया, बाकी सब खलास। मुक्ति वाले भी अपने समय पर जीवन मुक्ति में आकर सुख पाएंगे, मुक्ति वाले भी जो भी आत्मा जाएंगी ना, वो जब आएंगी तो मुक्त होकर जाएंगी ना विकारों से, तो जब आएंगी तो 3/4 से ज़्यादा वो भी सुख पाएंगी, लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगा हम लोगों का युग के हिसाब से, और किसी को जन्म के हिसाब से सुख मिलेगा, हम लोगों को युग के हिसाब से सुख मिल रहा है। तो सब जीवन मुक्ति में आते वाया मुक्ति में जाते हैं, यहाँ से जाएंगे शांति धाम, और फिर कोई दुनिया है नहीं। बाबा कहता शांति धाम जाएंगे और फिर कोई दुनिया नहीं, ड्रामा अनुसार सबको वापस जाना है। विनाश की तैयारियां हो रही हैं, इतना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाती हैं, सो रखने के लिए थोड़े ही बना रहे, सोपीस के लिए थोड़ी बना रहे हैं बॉम्ब्स, ये सब बारूद है ही विनाश के लिए। सत्युग त्रेता में ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, बॉम्ब्स आदि नहीं रहेगा। अब 84 जन्म पूरे हुए, हम यह शरीर छोड़कर घर जाएंगे। दीपमाला पे सब नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, दीपमाला में अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तुम आत्मा भी नई बन जाती हो, नया शरीर लेकर दीपमाला मनाती हो वहाँ पर, यह बेहद की बात है। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा, जितना आत्मा पवित्र बनेगी, मतलब आँखों से, कानों से, मुख से, जीभ से, सब चीज़ से सुंदर बनना आपको, तो हर चीज़ ज्ञान युक्त बना दे। आँखों से दृष्टि क्या दे, आत्मा को दे, गुणों को देखे, कानों से महावाक्य सुने, दुख हरता सुख करता बनकर सुने, मुख से जीभ द्वारा अच्छा खाएं, पवित्र भोजन खाएं। इस समय आर्टिफिशियल फैशन करते हैं लोग, आर्टिफिशियल कितना फैशन करते हैं,
वो सब बनाते हैं ना, टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, मेकअप कर लिया और वीडियो बना बना के डालते हैं, मेकअप करके सोचते सुंदर बन। अरे चेहरा तो वही है ना, कितना भी आप मेकअप कर ले चेहरा थोड़ी बदल जाएगा, चेहरा वही रहता है। अपने आप को हम समझते मेकअप कर लिए तो सुंदर बन गया, नहीं सुंदर रहते हैं, तो पाउडर आदि लगा कर खूबसूरत बन जाते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होगी, आत्मा एक बार ब्यूटीफुल बन जाती है। तुम समझते हो ना ये सब बातें, समझ रहे ना, तो मेकअप करने की दरकार है क्या? अब स्कूल में सब एक जैसे तो नहीं होते ना, तुम भी वैसा ही हो, सब एक जैसे नहीं है, तो पुरुषार्थ करना है। हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बने, यह है तुम्हारा ईश्वरीय कुल। फिर होता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना, तुम ब्राह्मणों में भी रजाई नहीं है। अभी रजाई है, कोई किसी के ऊपर राज्य नहीं कर सकता, आज यहाँ छोड़े तो वहाँ गए, वहाँ छोड़े तो वहाँ गए, राज्य है किसी का? अभी तुम संगम पर हो, मिलन मनाने आए हो, आत्मा और परमात्मा का मिलन, ब्राह्मण परिवार से मिलन। तो अगर यहाँ भी लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर फायदा क्या है? कलयुग में अब रजाई है नहीं, भल कोई रजाई रह भी जाती है, नील तो कभी होता नहीं। तुम यह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, देखेंगे हम आत्माएं भाई भाई हैं और वह बाप है। बाप कहते एक दो को भाई भाई, अब देखो भाई बहन भी नहीं, भाई भाई देखो। तीसरा नेत्र ज्ञान का तुमको मिला है ना देखने का, तो तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो ये तो तुमको पता है, कहाँ निवास करती है आत्मा? भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है, तो कहते हैं यहाँ भ्रिकुटी के पास। कहाँ रहती है? भ्रिकुटी के पास। तो यह कॉमन बात हो गई ना सबके लिए, सभी लोग से पूछा जाएगा, सब एक ही जवाब मिलेंगे। तो एक बाप के सिवा कुछ भी याद ना आए, पिछाड़ी में तो शरीर भी बाप की याद में छूटे, इतना पक्का करना है, याद में शरीर छूटे बाप की, यह प्रैक्टिस पक्की करनी है, नहीं तो क्या होगा, उसको याद करेंगे उसको शरीर छूट गया, खत्म कहानी। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, सत्युग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करना है तो उसके लिए अभी से आत्मा को पावन बनाओ, मतलब देखना बोलना करना सुनना सब कुछ ज्ञान युक्त होना चाहिए। कट उतार देना है, देख को देखने का जो नेत्र लगा हुआ था रावण का उसको बंद कर लेना है। आर्टिफिशियल फैशन आज के बाद नहीं करना है कुछ भी, जैसे कि अब घर गृहस्थ में चलो सिंदूर और बिंदी नेचुरल है लगाना, बस उतना ही तक, उससे ज़्यादा बाबा का फरमान है कि कोई मेकअप नहीं करना है, फैशन नहीं करना है। और अगर यहाँ फैशन किए तो वहाँ का श्रृंगार कम हो जाएगा, वहाँ का श्रृंगार कम हो जाएगा, जो लक्ष्मी नारायण का श्रृंगार होगा वो साहूकारों का नहीं होगा, जो साहूकारों का होगा वो प्रजा का नहीं होगा, जो प्रजा का होगा उसके दास दासियों का नहीं होगा। तो हम सोचे कि कितना हम सुंदर बनना चाहते हैं। एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी, एक बाप के सिवा कुछ भी याद ना आए या दे भी भूल जाओ, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। वरदान है शुभ भावना शुभकामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न बनो, आत्माएं परिवर्तन हो जाएं, विकारी से निर्विकारी बन जाए, ऐसा हम लोगों को योग का सहयोग देना है। शुभ भावना शुभकामना रखनी है, जब कोई किसी भी कार्य में सभी ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप से अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभकामनाओं का सहयोग देते हैं तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है, कोई उसे तोड़ नहीं सकता है, इतना मजबूत किला बना लेना है कोई भी सेवा का पवित्र चारों तरफ कि बाबा कहता कोई भी, क्योंकि ब्राह्मणों में ही क्या है कि बोलते दगा किसी का सगा नहीं, किया नहीं तो करके देखो, जिस किसी ने दगा किया उसके जाके घर के देखो। जो ब्राह्मणों में भी कोई एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो वास्तव में किस बाबा के बच्चों को नहीं गिरा सकते, वो खुद अपने गिर जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है, जो आत्माओं को परिवर्तन कर लेगा, यहाँ पर जो किला बनेगा ना उससे जो विकारी ख्यालात के विरोधी आत्माएं वो भी परिवर्तन हो जाएंगी, लेकिन हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकती है, क्योंकि ये कार्य किसका है, यहाँ बाप का है, तो बाप का कार्य कोई बिगाड़ सकता है? कितना भी छुप बोलते ना कि देवी देवताओं के बीच में कौन छुपा था, राहु, राहु छुप गया था ना, तो बाबा कहता राहु छुपा नहीं रहेगा, वो पता पड़ जाएगा। जैसे पांच उंगलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य हो जाता है ना,
पांच उंगलियों का सहयोग से कोई भी बड़ा चीज उठा लेते, कार्य कर लेते, क्योंकि इसमें पांचों तरह के लोग हैं। कोई है सबसे बड़ा, जो अब बड़ा गार्जियन होता है, निमित्त होता है, कुछ नहीं कर रहा लेकिन एक निमित्त भाव रहता है। कोई होता है डायरेक्शन देने वाला कि हाँ तुम ऐसे ऐसे करो ऐसे करो। कोई बोलता है सुभावना देने वाला, मन का सहयोग देता है। कोई अपनी उंगली पर उठा लेता है कि नहीं हम भी सहयोग देंगे, एक उंगली का हम भी देंगे। तो इस तरह से पांचों उंगली का सहयोग मिलता है तो एक ताकत बन जाता है। तो ऐसी हर एक ब्राह्मण बच्चों का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है, सेवा में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट क्या है? सफलता, बहुत अच्छी सफलता। स्लोगन है, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। कदम 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 पे पद्मों की जमाई, मतलब आप अगर तन मन धन कोई भी सेवा में दिल से लगा दिए तो आपका एक कदम में पद्म जमा हो गया। एक कार्य में आप लगाएं और उसका पद्म गुना आपका जमा हो गया। इसीलिए बाबा कहता है कदम कदम, मतलब हर एक सेवा में आप अपना तन मन धन तीनों दे दिए तो कदम में पद्म जमा हो जाता है। तो ऐसे जमा करने वाला ही बड़ा धनवान बनेगा। ओम शांति।